ओ कठोर, थोड़ा ध्यान मेरी भी और। कब होगी सिद्धू की सिद्धि? सुबह से एक बकरा भी नहीं मिला। काश एक मुर्गा मिल जाता तो। कितना बड़ा शहर है ए बहनिया, जरा कनवा इधर ला। क्या बात है भैया? श्रीरामपुर शहर है, यहाँ के लोगों के बारे में कहावत मशहूर है कि रामपुरी बगल में छुरी, खाए सत्तू बताए पूरी। किसी को बताना नहीं कि हम झुमरी तलैया से आए हैं। तो क्या बताए भैया? बस यूँ बोल देना दनादन कि हम पटना के बाबू है, तू हमारी बहन लाजो है। और जॉन झुमरी तले ये बताए तो का नुकसान भाई? अरे लूट ले हमका देहाती समझ कर। हाँ अरे आया, थैंक गॉड। अरे अब बाप रे, ये मकान है का हिमालय का पहाड़? ए हीरो, क्या देख रहे हो? आ गया जो खून पीने। ओ बॉस, क्या देख रहे हो? हम का देखता हूँ का नहीं देखता हूँ, तुम पूछे वाला कौन? सादा लिबास में पुलिस वाला। सादा लिबास पुलिस वाला? हाँ श्रीमान, रामपुरी कानून की दफा 420 के तहत इस तरह ऊंची इमारतों को देखना कानूनन जुर्म है। जानते हो एक माला देखने का जुर्माना 20 रुपए है। तुम कौन सा माला देख रहे थे? हम पांचवा माला देख रहे थे। पांचवा माला? ठीक है, तो फटाफट 100 रुपए का दंड भरो। 100 रुपए का दंड? खैर कानून जब बनाया तो देना ही पड़ेगा। ई लो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी देखना है शौक से देखो, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। समझ गए? चलता हूं। वाह, 100 रुपया का नुकसान करा के पटना के बाबू हसत है। अरे हसे नहीं तो का, कैसा चूना लगाया सिपाही को। अरे हम तो 20वां माला देख रहे थे, बताया 5वां माला, नहीं तो 400 रुपए का दंड भरे को ना पड़ी। अरे वाह भैया, 300 का पूरा फायदा किया हमने। तुम तो बड़े समझदार हो। अरे नहीं तो का, चला। अरे एका, लोटा तो एकदम खाली बा भैया। हम अभी लाते हैं। ए छोरी, जरा हमारी भूख तो मिटा दे। रोटी का भूख होती ससुर के नाती तो हम जरूर मिटाई दे, पर ये भूख तो मार की लागत है हमका, और ये भूख तो हमारे शंकर भैया ही मिटा सकत हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा भैया? वो है हमारे भैया, नल से पानी भरत है। वो है तुम्हारा भैया? वो तो पहले से ही पानी भर रहा है। सुग्रीव महाराज, जरा जाइए, जाकर के शंकर भैया को बुला लाइए। क्या कहते हैं भाई लोग, इसके भाई से भी मिलने? क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, चार चार। पहले ये बताओ चारों का काम क्या है? हम चारों अर्थी उठाने के काम आते हैं। अरे भाई, ये अर्थी चिता की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने आज का अर्जुन फिल्म देखी कि ना? ए, हम लोग फिल्म नहीं देखते। तो चलो फिर आज देख लेंगे। ऐसी कौन सी खास बात है आज का अर्जुन में? खास बात तो ये है कि उस फिल्म में कुछ गुंडे लोग हीरो की बहनिया को छेड़ी। हीरो पागल हो गई, और पागल होकर ऐसी धुलाई की कि चारों को अपनी नानी याद आ गई। हाँ
कमाल का फाइटर है यार। अरे वाह भैया, क्या पेट भर के मारा है इन लोगों को। बहुत। और बहन भी। चल अब तो नहीं खाना खाई ले, चल सुनो। अरे बाप रे, फिर झोंका गया खून पीने। अरे भैया, खाना खाने के लिए भी दंड देना पड़ेगा का? नहीं यार, मैंने तो तुम्हारी बहादुरी देखकर तुम्हारा 100 रुपए वापस करने का फैसला कर लिया है। पहला सिपाही देखा कि पैसा लेकर पैसा वापस देना चाहता है। लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया। ये लो भैया। अरे वाह, तुम्हारा बंदर तो बड़ा अफलातून है। ए भैया, बंदर नहीं, सुग्रीव महाराज का हो। नमस्ते सुग्रीव महाराज, मेरा नाम सिद्धू है, तुम्हारा? शंकर। और ये हमारी बहनिया अल्लाह जो। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं झुमड़ी तला। पटना से आए, हम पटना के बाबू हैं। अच्छा अच्छा, काम की तलाश में आए हो? अरे भैया, नौकरी ना ही करब तो बनिया का ब्याह कैसे करब? हमरी मौसी को ढूंढने आए रामपुर में। रामपुर में रहने का इंतजाम है तुम्हारा? अरे खुले आसमान के नीचे रह लेंगे, वैसे भी हम लोग झुमरी तला पटना में खुले आसमान के नीचे रहते थे। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को खुले आसमान के नीचे रहने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। अरे हम कोई गलती खराब का? नहीं भैया, तुम तो बहुत समझदार हो। और का चला। प्लीज सिद्धू, इन्हें कहीं और ले जाओ तुम। प्लीज फ्लोरा आंटी। लेकिन ये कहाँ जाएंगे? ये भाई बहन बड़े शरीफ और ईमानदार हैं। तेरे माफिक ईमानदार और शरीफ। बॉबी, यू कीप क्वाइट। मॉम। आंटी, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ। खुद की कोई गारंटी नहीं, और दूसरों की गारंटी लेने चला है। फ्लोरा आंटी, आपको मदर मेरी की कसम। ओह गॉड सिद्धू, आपन तेरे को कितनी बार बोला कि मदर मेरी को बीच में नहीं लाने को। हाँ, आज तो अपन तेरा बात बिल्कुल नहीं मानेगा, बस नहीं मानेगा। हार्ड लग सिद्धू, आज तेरा मदर मेरी का ट्रम्प कार्ड भी फेल हो गया। बाय द वे, तेरा कितना बड़ा बाकी है? 6 महीने से तो भाड़ा दे नहीं सकता है डैड, और 2 और 1 3 नए भरतों को ले आया। समझ गया, तेरी माँ इन्हें खोली देने से इनकार कर रही है। ठहरो, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? देखत नहीं, चाल की मालकिन मना करत है। ये सिर्फ मेरी दिल की मालकिन है, चाल का मालिक तो मैं हूँ, जॉन डिसूजा। हम पटना के बाबू शंकर बा उर्फ राजू, ये हमारी बहनिया लाजो। तुम दोनों यहीं रहोगे। व्हाट जॉन, अपन इधर कोई चैरिटी होम नहीं खोला है? हाँ। याद करो फ्लोरा, आज से 20 बरस पहले जब हमारे सर पे छत का साया नहीं था, मेरे बॉस बलवंत राय ने ये चाल हमें दी थी। लेकिन आज हमें भी इन बेसारों का सहारा होना चाहिए ना? तुम ठीक बोलते हैं जॉन, अपन का क्या है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके। चलो तुम दोनों भाई बहन वो बाजू वाला कमरे में रहना। हाँ। अरे व्हाट अ बंदर, माय गॉड। बंदर कहीं से ये बुरा मानत है? हाँ? इन्हें सुग्रीव महाराज कहिए। वेलकम सुग्रीव महाराज। अच्छा चलो चलो चलो, बुरा नहीं मानना हो, बुरा नहीं मानना। ये रहा तुम्हारा कमरा, अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत। अरे यंग मैन, तुमने ये जूते लाठी में क्यों बांध रखे हैं? पैरों में क्यों नहीं पहने? अरे मैडम जी, पाँव में पहनते तो घिस घिस के खराब ना हो जाते, फिर नए खरीदना पड़ते। ना पहनने का कितना फायदा भाई। 4 साल पहले जैसे खरीदे रहे वैसे ही आज भी नया चमाचम है। हाँ, क्यों ना जो? भैया तुम तो बहुत समझदार हो। बस करो। वो तो माना कि तुमने दमड़ी बचाई, लेकिन चमड़ी तो घिस गई ना। हाँ, अब ये बताओ, दमड़ी से ज्यादा कीमती चमड़ी होती है कि नहीं? ये बात तो ठीक है। हाँ, अब बताओ
कौन ज्यादा समझदार है? चाची जी आप। हाँ। शंकर भैया तो एकदम बुद्धू है। नहीं मैडम जी, आज आपने तो बड़ी नीक की सीख दी है। आज से तो जूता मैं पाँव में ही पहनूंगा। थैंक्स अ लॉट आंटी, जो आपने इन्हें अपना किरायेदार बना लिया, मैं गारंटी लेता हूँ कि भाड़ा इनका टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। भाड़ा तो तब देगा जब धंधा या नौकरी करेगा। कुछ होना रहेगा तेरे पास? हम मेहनत मजूरी का कोई भी काम कर सकता हूँ। वेरी गुड, तब तो शंकर तुम्हारे लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह गनी तो काहे की कमी ना, मैं हनीफ भारी वजन उठा सकते हो? आप कहे तो आपको उठाकर पंखे जैसा घुमाकर बता दूं। अच्छा, अगर तुम मुझे उठा सकते हो तो मैं कल ही तुम्हें बस अड्डे पर कुली की नौकरी दिला सकता हूँ। ऐसा? हाँ। फिर देखो हमारा कमाल।